नगरी निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भिलाई 3 चरोदा नगर निगम के आयुक्त और स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सफाई कामगारों का लगातार शोषण करने की बातें कही गई हैं। अपनी 8 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर नगरी निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन द्वारा रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया गया। रैली की शक्ल में कामगार भिलाई 3 चरोदा नगर निगम कार्यालय पहुंचे। यहां नगर निगम आयुक्त कीर्तिमान राठौर और स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर को 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सफाई कामगारों के शोषण, वेतन में अवैध रूप से कटौती, PFESI में धांधली, सुरक्षा उपकरणों का अभाव आदि का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। ज्ञापन की जानकारी पदाधिकारी जयप्रकाश नायर ने दी। भिलाई 3 चरोदा में भी हम लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है, आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, 8 सूत्री मांग दिया है और इस पर पहलकदमी नहीं होने की स्थिति में हम लोग जो है बड़े आंदोलन की तरफ में बढ़ेंगे। क्या प्रमुख मांगे आपके? उसमें प्रमुख मांगे वही है, नियमितीकरण का मामला है, अनियमित कामगारों का नियमितीकरण का मामला है, उनके PF और ESI और अवैध कटौती जो है, वेतन का अवैध कटौती का मामला है, तमाम मजदूरों के साथ में जो सुरक्षा उपकरण के मामले हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन सारी जगह दिया गया है। 22 तारीख से लेकर लगातार इस मांग को हम लोग तमाम नगरीय निकाय में दे रहे हैं और अगर इसमें कोई पहलकदमी नहीं होती है तो बड़े आंदोलन की तरफ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर कमेटी आगे बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि जिले के नगरीय निकायों में कामगारों की समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। समस्याओं का निराकरण नहीं होने की स्थिति में आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।